हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ निधि। देख सकते हो आप, आज मैं हॉल वीडियो शेयर करने वाली हूँ और स्क्रीन पे मेरी जगह ही नहीं है। सामान इतना ज़्यादा हो चुका है और अभी भी कुछ सामान पता है ऑन द वे है, बट अब मैं वेट नहीं कर सकती हूँ। अब मुझे लगता है कि वीडियो मुझे बना लेना चाहिए और सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। उसमें घर से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड, डेकोर से रिलेटेड, पता नहीं क्या क्या इसमें आपको देखने को मिलेगा। मज़ा आ जाएगा और बहुत ही काम की चीज़ें होंगी, हाई फाई कुछ भी नहीं होगी। बेसिक ज़रूरत का सामान जो होता है ना, वो सब इसमें कुछ कुछ आपको दिख ही रहा होगा। और ये है वो आइटम जिसने मुझे मजबूर कर दिया है कि अब जितने सामान नहीं आए हैं वो ना आए, मैं हॉल वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि इसको मुझे अब यूज़ करना है। और इसको आए हुए मेरे ख्याल से 10 हफ्ते हो चुका है। पहले तो ये क्वारंटीन में पड़ा रहा, फिर ये असेंबल भी कर लिया हमने। सो एनीवेज, बहुत सारी बातें मैं बाद में करूँगी, एक एक प्रोडक्ट आपको दिखाऊँगी। वीडियो काफ़ी यूज अमेज़ॉन हॉल होने वाला है, तो चलो अब मैं इन सबको पहले साइड करती हूँ और खुद बीच में आती हूँ और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए मैं सारे प्रोडक्ट्स वन बाय वन जो मेरे हाथ में आएगा आपको दिखाती जाऊंगी और इनमें से किसी का भी प्राइस मुझे याद नहीं है। सो सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं। अगर आपको कुछ भी देखना है तो आप वहां पर लिंक क्लिक करके पर्टिकुलर प्रोडक्ट चेक कर सकते हो, उसका प्राइस, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ। सारे प्राइस जो होंगे वो डिस्काउंटेड होंगे ऑब्वियसली। एंड यस, इन प्रोडक्ट्स को आए हुए करीब 1.5-2 महीने हो गए वन बाय वन करके, क्योंकि आ रहे हैं और कुछ अभी ऑन द वे भी है। सो वो लेटर ऑन मैं अपने कभी किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए सबसे पहले जो मैं दिखा देती हूँ, जिसकी वजह से व्लॉग में फाइनली आज बना रही हूँ, वो है ये। ये एक्चुअली पैन स्टैंड है, पैन स्टैंड इन द वे कि आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं एंड आपको इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, आपके कोई भी पैन वगैरह हो, कढ़ाई हो, तवा हो, जो भी चीज़ें इस तरीके की हैं उनको एक के ऊपर एक स्टैक करके हम लोग रखते हैं, तो उससे जगह भी वेस्ट होती है, थोड़ा सा मैनेजेबल नहीं होता है। सो मैंने फाइनली इसको ख़रीद लिया है एंड ये मुझे काफ़ी सही लगा। और इसको ये पूरा ऐसे डिसेंबल होकर आया था, मतलब ये सब कुछ हमने खुद असेंबल किया, एक पतले से बॉक्स में आया था। इसका बॉक्स मैं दिखा देती हूँ, ये इस तरीके के बॉक्स में आया था। ओके, तो ये एडजस्टेबल है, कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, ये आपको दिखाती हूँ मैं, ये एडजस्टेबल है, ये इस तरीके से निकल जाता है। तो आप अपने हिसाब से आप इसकी जगह चूज़ कर सकते हो कि आपको ये कहाँ पर लगाना है, कितने गैप में आपको लगाना है। तो जैसे कि ये हमने जो अभी फ़िलहाल किया है कि ये कुछ में ज़्यादा गैप दे दिया है, कुछ में कम गैप दे दिया है, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर बड़ी कढ़ाई वगैरह वो इधर आ जाती है, बीच में जो पैन वगैरह नॉनस्टिक है वो बीच में, इस तरीके से अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। और ये वैसे तो वर्टिकली शो किया था, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ऐसे रखती हूँ तो ज़्यादा ये मैनेजेबल होगा मेरे लिए। स्टर्डी है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप इस तरीके का कुछ लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्राइस अगेन मुझे याद नहीं है, तो मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने इस तरीके की कई चीज़ें मंगाई थी जो मैंने कुछ रिटर्न भी कर दी है, तो वो भी आप लोगों को बता दूंगी। इनकेस अगर आप लेना वो प्रोडक्ट लेना चाहते होंगे तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगी कि मैंने क्यों रिटर्न किया। ओके, सो नेक्स्ट मैंने लिया है ये कुछ इस तरीके के 2 वॉल स्टिकर्स। सो इसकी मैं यहाँ पर फोटो लगा दूंगी, क्योंकि अभी तो मैंने इसमें से निकाल के बेड के अंदर सीधा उन्हें रख दिया है, उसके बाद मैं उसे रूम में लगाऊंगी। वॉल स्टिकर्स, वॉलपेपर का जो शौक है हमें, जो लोग मुझे इनिशियल डेज से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि बहुत ज़्यादा है, तो मैं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ मंगाती रहती हूँ। एंड यस, ये है मेरा नेक्स्ट आइटम। उसके बाद मैंने मंगाया है ये एक चीज़, ये है फ्लावर पॉट स्टैंड, जो प्लांटर्स बेसिकली हम रखते हैं ना, मिट्टी के गमले, उसका स्टैंड है ये। मैंने अपनी बालकनी के लिए मंगाया था, बट इसमें 2 टाइप के डिज़ाइंस मुझे दिखे थे। एक तो ये जो ये देख रहे हो आप, थोड़ा सा इसका पैर जो है ये चौड़ा सा है, और एक है वो पॉइंटेड वाला है। उसकी मैं फ़ोटो यहाँ पे लगा दूंगी, बिकॉज उसको मैंने बालकनी में यूज़ कर लिया है, तो अभी प्लांटर्स हटा करके मैं नहीं लाऊंगी, आपको फ़ोटो दिखा दूंगी। इसको मैं करने वाली हूँ रिटर्न। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी स्टर्डी है ये, बहुत ही अच्छा। इसका और इसका मटेरियल सेम ही है, स्टर्डी तो काफ़ी है, लेकिन इसका ये जो चीज़ है ना, ये पूरा राउंड शेप में बना हुआ है, जिसकी वजह से इसकी ग्रिप बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नीचे रखते हो और हल्का सा भी कहीं टिल्ट होता है तो ये नीचे गिर जाएगा।
तो ये मतलब ड्यूरेबल नहीं लगा, लेकिन जो दूसरा वाला मेरा है उसको तो मैं यूज़ कर रही हूँ, वो इससे काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, स्टर्डी है। स्टर्डी के मामले में अगर आप उसे छुएंगे ना तो ये ज़्यादा स्टर्डी आपको लगेगा, बट बैलेंस जो है ना वो उसका काफ़ी अच्छा है। तो हम वो यूज़ कर रहे हैं और इसको हम रिटर्न करने वाले हैं। तो मैं दोनों के लिंक आपको दे दूंगी, आप इनके, वैसे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट इस पर कोई भी भारी चीज़ रख के रिस्क अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप इसे ना परचेस करें। ओके, सो ये पेयर में आता है मेरे ख्याल से, यस ये तीन के पेयर में है, और जो मैंने दूसरा वाला जो मैं बता रही हूँ, यहाँ कहीं फोटो लगा दूंगी, वो पांच के पेयर में आया था। तो अलग अलग साइज के हैं और वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, दिखने में भी काफ़ी अच्छा है, प्राइस के हिसाब से काफ़ी अफोर्डेबल भी है। सो अपने गार्डन वगैरह के लिए आप उस तरीके का कुछ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इंडोर में भी आप रख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा लगेगा। सो नेक्स्ट मैंने ये लिया है टेबल मैट जो होता है, मैंने ये लिया है, ये कुछ इस तरीके का ट्रांसपेरेंट है, यस ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है यहाँ पर, और साइड में इसमें इस तरीके का गोल्डन बॉर्डर लगा हुआ है। तो इसको मैंने अभी लगाया नहीं है, अब मैं सारी चीज़ें फाइनली लगाऊंगी। सो ये मैंने अपने सेंटर टेबल के लिए मंगाया है, तो उसी के हिसाब से इसका साइज़ है, और इसमें काफ़ी सारे वेरिएशंस भी आते हैं, आप देख सकते हैं इनमें ने उन्हें दिया हुआ है। तो इसकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, एंड मतलब थोड़ी सी मेरे को डाउट हो रहा था कि जैसे इसका प्लास्टिक है ना, ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और काफ़ी अच्छा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, एंड प्राइस भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने आराम से ले लिया। नेक्स्ट एक मैंने ये मंगाया है, ये भी टेबल मैट ही है। तो एक्चुअली प्लान ऐसा है कि सेंटर टेबल पे इसको बिछाएंगे, इसके ऊपर वो ट्रांसपेरेंट वाला बिछा देंगे। सो ये इस तरीके का है, ये देखिए ये इस तरीके का है, नेट भी है और बीच बीच में इसमें फोम तो नहीं है, लेकिन फोम टाइप का कुछ मतलब टेक्सचर है, इसको छूते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छी, मतलब मुझे काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और प्राइस भी काफ़ी सही लगा, और डिज़ाइंस तो इसमें कई सारे हैं। एक्चुअली हम लोगों ने कलर जो था वो थोड़ा सा अलग मंगाया था, बट इसमें ये ऑरेंज पीचिश कलर का आया है, तो आने के बाद ये भी सही लग रहा था, तो रिटर्न करने का कुछ मन नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये इसकी क्वालिटी डेफिनेटली बहुत अच्छी है, तो अगर आप इन दोनों में से कुछ भी लेना चाहते हैं आप डेफिनेटली ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, मार्केट में हम खुद देख कर लेते हैं, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, बट अच्छा है काफ़ी। नेक्स्ट मैंने एक ये लिया है, ये मेरे फ्रिज का जो टॉप पे कवर लगाते हैं ना, ये वो है, और ये कुछ इस तरीके का है, बहुत ही चीप सा क्वालिटी मुझे लग रहा है, लेकिन इसकी प्राइस काफ़ी कम पे की थी, और मतलब ले लिया, रिटर्न करने का मन नहीं हुआ, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे अभी हमारे पास जो फ़िलहाल है जिसको हम चेंज करने वाले हैं, वो इससे मतलब 10 times बेटर है क्वालिटी और सब कुछ। इसमें कुछ क्वालिटी नहीं है, सिर्फ ऊपर से ये एक इतना सही है, मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि पूरा ये ट्रांसपेरेंट है। सो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट आई थिंक इसका प्राइस काफ़ी कम था, और इन्होंने बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर ही तो लगाना है, इसमें कौन सी जंग लड़नी है, तो रहने देते हैं। तो इसलिए हम रिटर्न तो नहीं कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कुछ लेना चाहते हैं तो आप मतलब ये अच्छी क्वालिटी का तो नहीं है, लेकिन हाँ काम चलाऊ टाइप का है, तो काम चला लेंगे अभी फ़िलहाल, और फिर ख़राब हो जाएगा तो फिर देखेंगे। तो ये मैंने इसीलिए रख लिया है, मेरा प्लान था इसको रिटर्न करने का, बट समहा उन लोगों ने यही डिसाइड किया। सो ये हो गया मेरा नेक्स्ट आइटम। इसके अलावा मैंने लिया है ये फ्रिज मैट है, मतलब फ्रिज के अंदर रखने के लिए ये मैट है। सो ये मुझे काफ़ी सही लगा, इसमें भी सेल्फ डिज़ाइनिंग है, एक निकाल के दिखा देती हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, इसमें सेल्फ डिज़ाइन बना हुआ है, तो ये काफ़ी पीछे से एकदम प्लेन है ये, तो आराम से एक ग्लास पे चिपक जाएगा आई थिंक, एंड ये, और ये इतना चौड़ा आता है करीब, तो अगर आपके फ्रिज का साइज़ इससे छोटा है तो आप इसे कट करके लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे अपने डाइनिंग टेबल पे मैट वगैरह के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ है ये शीट, और इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्टर्डी है, और मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ, ये एक है ब्लैक जैक का पेन है, सेलो ब्रांड का है ब्लैक जैक। आई डोंट नो मैं क्यों दिखा रही हूँ आपको, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है और उनको ये मिल नहीं रहा था, तो जब मिला तो उन्होंने दो तीन एक साथ ऑर्डर कर लिया, तो इसमें पेन आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि
आते से ये यूज़ होने लग गया है। सो अगर आप भी इसकी तलाश में, आपको ये कहीं नहीं मिलता है, तो ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आपको लिंक दे दूँगी। बस इसलिए मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है कोई और भी हो जिसकी सर्च में हो। सो नेक्स्ट मैंने लिया है, ये एक अगेन ये फ्रिज बास्केट है, फ्रिज में रखने के लिए है एंड ये मल्टीपर्पज़ है, आप इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, नो इश्यूज़। सो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। आई थिंक मैं इसे अपने प्रीवियस अमेज़ॉन हॉल पे भी शेयर कर चुकी हूँ। बाय द वे गाइस, मैंने एक और हॉल शेयर किया हुआ है पिछले महीने, तो अगर आपने वो नहीं चेक किया तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। उसमें भी काफ़ी अच्छे आइटम मैंने मंगाए थे, घर के ही थे, एंड कुछ चीज़ें उसमें भी मैंने बताई है जो मैंने रिटर्न कर दी थी, और वो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग लेने में इंटरेस्टेड होते हैं और फिर आपको भी रिटर्न करना पड़े, उससे बेहतर है कि आप वो वीडियो देख लीजिए एक बार, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये मैंने 5 या 6 पीस का सेट था और अब मैं इसको यूज़ करूँगी, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है। आप सोचेंगे फ्रिज का इतना सामान मैंने क्यों मंगाया है, क्योंकि अब मुझे अपने फ्रिज को थोड़ा सा रीडेकोर करना है, थोड़ा सा उसको भी अटेंशन देनी है, इसलिए मैंने फ्रिज का काफ़ी ज़्यादा सामान मंगाया है। ओके, सो नेक्स्ट जो आइटम है मेरा, ये मेरा फेवरेट है। मैंने पिछले साल भी आप लोग के साथ में ये हॉल शेयर किया था, तब मैंने ये मंगाया था। ये बहुत बहुत ज़्यादा मस्ट हैव प्रोडक्ट है, अगर आपने नहीं लिया है अभी तक तो आप प्लीज़ इस पर स्विच करिए। ये एल्युमिनियम फॉइल से फार बेटर है, और ये दो के पेयर में ही आता है, एक मैं अभी फ़िलहाल किचन में यूज़ कर रही हूँ, और इसके पहले ऑलरेडी मैं दो का सेट हर बार मंगाती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अंदर इस तरीके से रोल मिल जाता है आपको, काफ़ी लंबा रोल रहता है, काफ़ी लंबा चल जाता है। मतलब ये दो का सेट आया था तो मेरा आराम से एक साल के करीब ये चल गया, और रेगुलर बेसिस पे यूज़ टिफ़िन के लिए मैं करती हूँ। इसके साथ इस तरीके का स्टिकर आपको मिलता है, तो आपको कुछ भी फूड रैप करके और आप इससे चिपका सकते हो एक एक स्टिकर से। हालांकि मेरा ये यूज़ नहीं हुआ क्योंकि टिफ़िन में, मतलब पता नहीं, मेरे को इतना यूज़ करने का मन नहीं किया, बट अगर आप बच्चों को बर्गर वगैरह बना के देना चाहते हैं, थोड़ा सा फैंसी लुक देना चाहते हैं, तो आप ये चिपका सकते हैं। एनीवेज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इसमें यहाँ पर इस तरीके से कटर भी आता है, तो आप इसमें आराम से रोल को कट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और जैसे आप एल्युमिनियम रैप यूज़ करते हैं ना, तो वो क्या आपकी हेल्थ के लिए नुकसान का होता है, ये आप टोटली पेपर पे बना हुआ है, तो ये बिल्कुल भी मतलब आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। सो इसके बारे में अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने किचन के मस्ट हैव चीज़ें बताई थी, तो उसमें मैंने इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दिया था, यूसेज बताए थे, तो वो वीडियो अगर आपने चेक नहीं किया है तो प्रोडक्ट रिव्यू करके प्लेलिस्ट है, आप उसमें जा करके देख सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कौन सी ऐसी 5-6 चीज़ें हैं जो आपके किचन में ज़रूर से होनी चाहिए और आपके कामों को काफ़ी हैंडी बना देते हैं। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम है मेरा मस्त फेवरेट, टन टन, ये है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी आया। ये पिंक वाइट एंड बीच बीच में इसमें थोड़ा सा येलो है, हालांकि मेरा इस बार मन था कुछ येलो एंड वाइट में लेने का, बट वो जब ग्रुप डिस्कशन होता है ना घर में, तो जो मैं सोचती हूँ वो हो नहीं पाता है, तो एडजस्टमेंट होता है। तो एनीवेज मैंने बोला कि चलो येलो चाहिए था, तो येलो ये है, इसमें बीच में येलो येलो आपको दिख रहा है ना, तो बस मैंने इसी को येलो कंसिडर कर लिया। तो ये है, ये वुडन, यस ये वुडन ही लग रहा है, फ्रेमिंग है, आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं, वुडन फ्रेमिंग ही है ये, काफ़ी अच्छा लुक दे रही है, आप देख सकते हो काफ़ी डिसेंट सा लुक दे रही है, और अंदर ये प्लास्टिक ग्रास जो बोलते हैं वो बना हुआ है। सो ओवरऑल काफ़ी, और ये बहुत ही सही प्राइस में मिल गया है, मुझे प्राइस याद नहीं है, बट हमने इसीलिए लिया था क्योंकि काफ़ी सही प्राइस में था, और हम इसका कुछ और करने के लिए हमने मंगाया था। एक्चुअली हमें इस तरीके का फ्लावर चाहिए था, तो वो अलग से नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने ये सोचा था कि ये लेके और इसका ये नीचे का वास हटा करके उसको यूज़ कर लेंगे, बट जब ये आया तो ये आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, किचन में रखना हो, रूम में रखना हो, कहीं भी रखना हो, आराम से आप इसे रख सकते हो। सो मैं इसे यहाँ रखना तो चाह रही हूँ, बट यहाँ रख देती हूँ। ओके, सो यस, ये मैंने यहाँ रख दिया, ये बहुत अच्छा है, अगर आप लेना चाहते हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो मैंने इसको सेट कर लिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये, एंड यस एक और मैंने मंगाया है, वो चलो दिखाते हैं, अभी हाथ में ये आया है। सो ये एक मिल्टन की वाटर बॉटल है, ये तो ये मिल्टन की है, यस। सो इसके अंदर पानी ठंडा डालो ठंडा रहेगा, गर्म डालो गर्म रहेगा, तो ये बेसिकली लिया है मैंने, इनको ऑफिस में छाछ वगैरह देना होता है तो उसके लिए लिया है, बट अभी तक यूज़ नहीं किया है। सो ये बॉटल मुझे काफ़ी सही लग रही थी, और इसकी प्राइस क्या है, 156 का MRP है, कुछ डिस्काउंट के साथ में आपको 100-125 रुपये में मिल जाएगी,
तो ये काफ़ी अच्छी लगी। और यहाँ पर ये फ्लिप फ्लॉप है, अगर आप जैसे वर्कआउट वगैरह करते हैं तो आप इसमें पानी, जूस, लेमन वाटर कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं और जो भी टेम्परेचर पे आप रखेंगे रहेगा। तो ये मिल्टन की है और काफ़ी सही है ये, तो ये मैंने परचेस किया है। एंड नेक्स्ट मैंने इसी के साथ में टिफ़िन परचेस किया था जिसको हम यूज़ कर चुके हैं काफ़ी टाइम से। सो ये एक एग्जीक्यूटिव मिल्टन लंच बॉक्स है, ये भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताती हूँ। तो ये इस तरीके से आता है, इसमें एक ये रोटी के लिए ये एक डब्बा आता है और उसके अलावा दो इस तरीके से टिफ़िन आते हैं, ये इस तरीके से। सो इसका साइज़ थोड़ा सा ठीक ठाक है दोनों का, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन हाँ चल जाता है, मैं इसमें इनको टिफ़िन दे देती हूँ जब भी। लेकिन इसके साथ इसमें जैसे लिखा हुआ है इसके बॉक्स में कि ये लीक प्रूफ है, बट ऐसा हुआ नहीं था। इस तरीके का स्टील का ये है, इसमें एक्चुअली यहाँ पर जो रबड़ दी रहती है ना, अगर वो लगी होती है ना तो चीज़ें लीक प्रूफ होती है, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। ये एयर टाइट तो है बट लीक प्रूफ नहीं है, तो मतलब इसमें कोई चीज़ रखते तो ख़राब नहीं होती है, बट एक आध बार इसमें थोड़ा ऑयल वगैरह जो है वो लीक हो गया था। लेकिन इसके साथ क्योंकि बैग मिलता है सो जो भी लीक होता है वो बैग में ही होता है, बट अगर बैग में ऑयल वगैरह लीक हो जाए तो उसको धोना थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है। लेकिन यस, ओवरऑल अगर आप टिफ़िन के लिए देखना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं, लेकिन इस पर दाल वगैरह देने का प्लान अगर आप कर रहे हैं तो आप ये टिफ़िन मत लीजिए। तो मैं अपने हस्बैंड को जैसे सैलड, सब्जी, आपने एक ड्राई सब्जी दे दी और रोटी दे दी, तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हैं। काफ़ी मतलब मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद आया ये टिफ़िन। तो लिक्विड वगैरह अगर आप देना चाहते हैं सो यही है कि लीक होगा तो, हालांकि इसके साथ बैग मिलता है, तो बस अब आप अपना नज़रिया बना लो और डिसाइड करो कि आपको लेना है कि नहीं। और ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया था, तो हम इसे यूज़ कर रहे हैं, बट अगर मुझे कुछ जैसे लिक्विड देना होता तो मैं इसको नहीं यूज़ करती हूँ, तब मैं दूसरा टिफ़िन यूज़ करती हूँ। तो यस, अगेन ये मिल्टन का था, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा मैंने एक और फ्रिज की बास्केट मंगाई थी जो मैंने रिटर्न कर दी, यहाँ पर मैं क्लिप लगा देती हूँ। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मतलब लगाने के बाद जो मूवमेंट है उसका या जो भी चीज़ें हैं वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, तो मुझे उसको रिटर्न करना पड़ा। इनकेस अगर आप वो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर क्लिप लगा दे रही हूँ, फिर आप डिसाइड कर लो कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, बट मुझे वो सही नहीं लगा इसलिए मैंने उसको रिटर्न कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है ये वाईफिट किट, ये है योगा मैट का बैग, ये इस तरीके का है। सो मुझे योगा मैट लेना था काफ़ी टाइम से, बट मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, ये थिकनेस, वो थिकनेस, ये लंबाई, पता नहीं बहुत सारे पैरामीटर्स थे कि कौन सा लें, कैसे लें। तो मैंने अपने हस्बैंड को ये टास्क दिया कि मुझे नहीं मालूम, इतना सारा दिमाग में नहीं लगा सकती हूँ, और सबके रिव्यूज़ मिक्सड थे, किसी में भी परफेक्ट रिव्यू नहीं मिल रहा था। सो मैं काफ़ी ज़्यादा डाउट में थी। और ये ना ऐसा नहीं है कि 300-400 रुपए का आएगा, ये आपका करीब 1000 रुपए का राउंड आता है, 800-900 इस टाइप से तो आता ही आता है। सो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ठीक आ जाए और ताकि रिटर्न विटर्न का झंझट ना हो, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला और उन्होंने ये वाला मंगाया एंड ये काफ़ी अच्छा है। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें पता चलती रहती हैं कि मैंने इसको यूज़ भी किया और क्या कब आया, सब कुछ वहाँ पर मैं अपडेट करती रहती हूँ। तो स्टोरीज़ में इसके बारे में मैंने बताया था, कुछ लोगों ने सही गेस भी किया था। तो फाइनली ये आ चुका है और मैं ये जो मैट है इसको यूज़ कर रही हूँ, और मैंने सेकेंड मैट के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया है। मुझे दो मैट चाहिए थे सो मैंने सेकेंड मैट के लिए भी ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो इनकेस अगर आपको कोई योगा मैट देखना है अच्छा तो आप ये देख सकते हैं। एक और इसमें वेरिएशन है, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आपको अगर लेना है एक अच्छा मैट चाहिए तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हैं। मैं इसलिए ये इस पर आपको मतलब थोड़ा सा प्रेशर दे रही हूँ क्योंकि ना इसके रिव्यूज़ जितने भी आप मैट्स के देखोगे ना अमेज़ॉन पर, सब पे इतने मिक्सड है कि अब मैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी। सो ये मेरा नेक्स्ट आइटम था। एंड इसके अलावा एक बहुत ही काम की चीज़ है, ये है एक ये मिनी वाइपर किचन के लिए या फिर बाथरूम की टाइल्स वगैरह को क्लीन करने के लिए, ऑसम वाइपर है। इसको मैं यूज़ कर रही हूँ एक साल हो गया है, अभी भी काम कर रहा है बट थोड़ा थोड़ा सा टूटने लगा है मेरा जो है, मतलब यहाँ से निकलने लग गया है, बट ये बहुत ही सही चीज़ है। अगर आप अपने किचन का जो प्लेटफॉर्म उसको ड्राई रखना चाहते हैं तो ये वाले वाइपर में ज़रूर से इन्वेस्ट कीजिए, बहुत ही सही वाला वाइपर है। सो इसका एक छोटा भी मंगा, मतलब ये आ ही गया है मेरा, और एक इसका बड़ा भी मैंने मंगा लिया है क्योंकि इसका जो वाइपर है ना, यहाँ पर इसका जो एक गाला का भी वाइपर आता है वो भी बहुत अच्छा रहता है, गाला का मैंने यूज़ किया है बट अभी गाला का अवेलेबल नहीं था बड़े में, तो मैंने इसी का मंगा लिया है, बट काफ़ी सही वाला वाइपर है। इसको आप ज़रूर से रखें अपने किचन में, बाथरूम में, जहाँ पर भी आपको ड्राइनेस चाहिए। तो ओके, सो आई थिंक ये सारी चीज़ें हो गई हैं एंड
यस लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत ही प्यारा सा चीज निकल के आने वाला है. टन टन अगेन एक और ये प्यारा सा. सो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमको एक इस तरीके का फ्लावर चाहिए था जो कि हमको एक जगह यूज़ करना है. सो ये है. वैसे जब ये आया था ना तो हम सरप्राइज हो गए क्योंकि ये बहुत छोटा है. फोटो में थोड़ा बड़ा लग रहा था बट जब ये आया है बहुत ही क्यूट सा है. आप देख सकते हो मुझे बहुत प्यारा लगा. अगेन मुझे एक येलो लेना था बट मैंने ये वाले येलो से काम चलाया. आप सोच सकते हो मैं कितनी एडजस्टिंग हूँ और कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ मैं. तो मुझे येलो लेना था. मैंने इसको येलो कंसिडर कर लिया कि ये वाइट एंड येलो है. अब मैं पता नहीं वाइट एंड येलो कब लूँगी बट हाँ तो ये वो चीज़ है. इसको हम शायद रीयूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसको भी यहाँ से ये निकल जाएगा इस तरीके से. थोड़ा सा एफर्ट डालने पर ये निकल गया. ओ माई गॉड. लेकिन मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इसे ऐसे ही यूज़ कर लूँ. सो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रिटी. इसमें काफ़ी सारे वेरिएशंस भी थे तो इनकेस अगर आप लेना चाहते हो अपने स्टडी टेबल पे, कंप्यूटर टेबल पे या ऐसे कहीं छोटी सी जगह पे आप इसे रखना चाहते हो, आप देख सकते हो ये कितना प्यारा है और बहुत ही अच्छा लुक देगा. तो आप फ्लावर्स वगैरह में अगर आप वास वगैरह में चाहते हो ना तो ये दो का मैं लिंक आपको दूंगी. इनकेस अगर आप लेना चाहते हो तो ये परफेक्ट है. आप जा सकते हो, उसको ले सकते हो और प्राइस भी इसका काफ़ी सही है. सो ये था मेरा लास्ट परचेज. लास्ट तो नहीं है लेकिन हाँ आज के लिए ये लास्ट ही है क्योंकि बाकी की चीज़ें मेरी ऑन द वे हैं. तो यस इनमें से किसी भी चीज़ का अगर आप रिव्यू देखना चाहते हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में. बाय द वे मेरा एक रिव्यू चैनल भी है जिसपे मैं इस तरीके के प्रोडक्ट्स के रिव्यू डालती रहती हूँ. तो अगर आपने उसको चेकआउट नहीं किया है तो वहाँ पर मैंने नॉनस्टिक पैन हुए या फिर कुकर हुआ या कोई भी इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसका चॉपर है उन सबका रिव्यू मैंने शेयर किया हुआ है. बाय द वे मैंने एक चॉपर भी परचेज किया था जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड करना भूल गई हूँ. एंड उस चॉपर का रिव्यू जो है वो मैंने अपने दूसरे चैनल पर दिया हुआ है, रिव्यू वाइब्स बाय निधि. यहाँ पर फ्लैश हो जाएगा चैनल का नाम. आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. वहाँ पर आपको इस तरीके की चीज़ों के डिटेल्ड रिव्यू वहाँ पर मिलेंगे. वो रिव्यूज़ मैं इस चैनल पे नहीं डालती हूँ. सो वो चॉपर काफ़ी सही है और उसको यूज़ करने के कुछ ट्रिक्स हैं जो मैंने उस वीडियो में बताई हैं. उस चॉपर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. अगर आप देखना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं इन सारे प्रोडक्ट्स को. एंड यस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इनमें से कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी, आप यूज़ कर रहे हो या यूज़ करना चाहते हो, जो भी है अपने राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए. तो अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब किसी का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है. फटाफट से नीचे रेड सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले और भी हॉल वीडियोज़ आपको देखने को मिले और आप इंजॉय कर सकें. सो यस मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.